नमस्कार, आज हम पढ़ने वाले हैं कर चले हम फिदा की समरी, चैप्टर 10, क्लास हिंदी। शुरू करते हैं। प्रस्तुत कविता में देश के सैनिकों की भावनाओं का वर्णन है। सैनिक कभी भी देश के मान सम्मान को बचाने से पीछे नहीं हटेगा, फिर चाहे उसे अपनी जान से ही हाथ क्यों न गंवाना पड़े। भारत चीन युद्ध के दौरान सैनिकों को गोलियां लगने के कारण उनकी सांसें रुकने वाली थीं। ठंड के कारण उनकी नाड़ियों में खून जम रहा था, परंतु उन्होंने किसी भी चीज़ की परवाह ना करते हुए दुश्मनों का बहादुरी से मुकाबला किया और दुश्मनों को आगे नहीं बढ़ने दिया। सैनिक गर्व से कहते हैं कि हमें अपने सर भी कटवाने पड़े तो हम खुशी खुशी कटवा देंगे, पर हमारे गौरव के प्रतीक हिमालय को नहीं झुकने देंगे, अर्थात हिमालय पर दुश्मनों के कदम नहीं पड़ने देंगे। लेकिन देश के लिए प्राण नछावर करने की खुशी कभी कभी किसी किसी को ही मिल पाती है, अर्थात सैनिक देश पर मर मिटने का एक भी मौका नहीं खोना चाहते। जिस तरह से दुल्हन को लाल जोड़े में सजाया जाता है, उसी तरह सैनिकों ने भी अपने प्राणों का बलिदान देकर धरती को खून से लाल कर दिया है। सैनिक कहते हैं कि हम तो देश के लिए बलिदान दे रहे हैं, परंतु हमारे बाद भी ये सिलसिला चलते रहना चाहिए। जब भी ज़रूरत हो, इसी तरह देश की रक्षा के लिए एकजुट होकर आगे आने चाहिए। सैनिक अपने देश की धरती को सीता के आंचल की तरह मानते हैं और कहते हैं कि अगर कोई हाथ आंचल को छूने के लिए आगे बढ़े तो उसे तोड़ दो। अपने वतन की रक्षा के लिए तुम ही राम हो और तुम ही लक्ष्मण हो। अब इस देश की रक्षा का दायित्व तुम्हारे हाथों में है। इसके साथ इस चैप्टर की समरी यहीं ख़त्म होती है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियोस। धन्यवाद।